इमरान खान 11 अगस्त को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तमाम दूसरी पार्टियां इमरान खान को समर्थन देंगी और 137 के बहुमत के साथ वो सरकार बना लेंगे। उधर जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमरान खान से बात की और उन्हें चुनाव में जीत की बधाई दी। मोदी ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होंगी। इमरान खान को सरकार बनाने से रोकने के लिए PMLN और PPP ने गठबंधन का ऐलान किया है। इससे पहले 2002 में PMLN और PPP ने सरकार विरोधी गठबंधन बनाया था। उस दौरान परवेज मुशर्रफ ने जफरुल्ला जमाली को प्रधानमंत्री बनाया था। ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान को बधाई दे दी है। लेकिन क्या ये बधाई वाकई पाकिस्तान के सुधरने में काम आएगी, ये वक्त बताएगा। इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।